नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें आज हम आपको काफ़ी दिनों के बाद सारा इंडिया परिवार के पैरा बैंकिंग के समस्त कार्यकर्ताओं हेतु जारी एक नए पत्र के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि आपको CRCS के पोर्टल और उनके द्वारा किए जा रहे भुगतान के विषय में बताया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरे शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि यह पत्र आज की तारीख 9/8/2023 को जारी हुआ है, जिसकी पत्र संख्या है 34/3073, जो कि पैरा बैंकिंग के समस्त कार्यकर्ताओं हेतु जारी हुआ है। इसमें आगे लिखा हुआ है, महोदया, जैसा कि आप सभी को विदित है कि विगत लगभग एक दशक से सारा सेबी केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के नियमानुसार पूरे सारा ग्रुप पर लगे एम्बार्गो के कारण संस्था अपने सम्मानित निवेशककर्ताओं को समय से भुगतान नहीं कर पा रही थी। इसी मध्यम कई बार संस्था ने माननीय उच्चतम न्यायालय में सारा सेबी अकाउंट में जमा धनराशि से भुगतान हेतु धनराशि निर्गत करने हेतु आवेदन अपील भी दायर की, जिस पर कतिपय कारणों से उस पर सुनवाई नहीं हो पाई, परंतु माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री महोदय की पहल पर अब सेंट्रल स्टार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि CRCS के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुमति उपरांत प्रथम चरण में ₹5,000 करोड़ की राशि सारा सेबी रिफंड अकाउंट से प्राप्त कर सोसाइटी के सम्मानित निवेशक सदस्यों को भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी पोर्टल में डेटा पेंचिंग में कुछ असुविधा भी हो रही है, जिसके संबंध में सोसाइटी प्रबंधन एवं उसके IT प्रबंधनगण और CRCS तथा पोर्टल बनाने वाली टीम के माध्यम कई राउंड की वार्ता हुई, जिसके पश्चात पोर्टल में कुछ सुधार आया है और शीघ्र ही इसमें और भी सुधार समय समय पर होता जाएगा। आज हम सभी कार्यकर्ताओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़कर सम्मानित निवेशक सदस्यों को सहयोग कर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु सहयोग करें, जिससे हमारे परिवार के साथ जुड़े सदस्यगणों को असुविधा का सामना न करना पड़े। ध्यान रहे, यह सभी सोसाइटी परिवार के सम्मानित निवेशक सदस्यगण हैं, अतः हमारे सेवा भाव से यह महसूस होना चाहिए कि हर परिस्थिति में हम उनके साथ पहले की भांति आज भी खड़े हैं और हमारी मंशा सिर्फ और सिर्फ उन्हें जल्द से जल्द भुगतान दिलाने की है। साथ ही इस पत्र में सभी अधिकृत केंद्र के कार्यकर्ताओं एवं प्रबंधकों हेतु कुछ निर्देश और सुझाव भी दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है, अधिकृत केंद्रों में कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ताओं चाहे काउंटर के स्टाफ हो अथवा प्रबंधन, सभी आगे बढ़कर सर्वप्रथम अपने ऑफिस के कंप्यूटर में पोर्टल लिंक के पेज को डाउनलोड कर लेवें और सम्मानित निवेशक सदस्यों को पोर्टल में उनके डाटा पंच करने में सहयोग किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सम्मानित निवेशकों के द्वारा आसानी से पोर्टल में अपने भुगतान का क्लेम दर्ज कराया जा सके। दूसरा पॉइंट है, पोर्टल में आवेदन करने हेतु पोर्टल प्रक्रिया से संबंधित यदि किसी प्रकार की असुविधा होती है तो उसे मार्गफिना विभाग मुख्यालय को अवगत कराएं। अगला पॉइंट है, मुख्यालय पर मार्गफिना विभाग में कुछ कार्यकर्ताओं की टीम इस आशय के साथ बनाई जा रही है कि वह आप लोगों की परेशानियों जिज्ञासाओं का समाधान जिस हद तक संभव हो करा सके और उपयुक्त उत्तर दे सके। अगला पॉइंट है, किसी भी प्रकार के अफवाहों से बचें और कार्यकर्ताओं को भी इससे दूर रहने के लिए सलाह दें। यह देखने में आ रहा है कि फील्ड में अल्प ज्ञान के लोग आधी अधूरी सूचना के आधार पर भ्रम भांति फैला रहे हैं और सभी लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि पोर्टल के में आवेदन दर्ज न करें, क्योंकि कम धनराशि मिलेगी जबकि हकीकत कुछ और है। इस प्रकार की अफवाहें फैलाए जाने के कारण कुछ सम्मानित निवेशक सदस्यगण एवं कार्यकर्तागण भ्रमित हो रहे हैं, जबकि CRC की मंशा प्राथमिक चरण में छोटे निवेशकों को भुगतान करने की है। पोर्टल की लॉन्चिंग के दौरान यह अवगत कराया गया था कि शुरू में ₹10,000 फिर ₹30,000 तक का भुगतान किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से और धनराशि की मांग कर अन्य सभी को भुगतान करने हेतु माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा घोषणा भी की गई है। इसको लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि मात्र ₹10,000 का ही भुगतान होगा। सोसाइटी प्रबंधन भी लगातार सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी के संपर्क में है और अपने सम्मानित निवेशक सदस्यों के ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान जल्द
लिए जाने हेतु अपनी बात रखी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विगत दो तीन वर्षों में स्थिति बहुत खराब हो गई है और कार्यकर्ताओं को भी अपनी दैनिक खर्च चलाने में समस्या आ रही है और कार्यालय के रेवट एवं बिजली बिलों के भुगतान करने में भी समस्या हो रही है, परंतु वर्तमान में एक सकारात्मक आस जगी है जिसकी शुरुआत हो गई है। साथियों, आज हमारी प्राथमिकता सम्मानित निवेशक सदस्यों को जल्द से जल्द भुगतान मिले उस प्रक्रिया में सहभागिता करने की होनी चाहिए, इसलिए पोर्टल पर आवेदन करने में उनकी हर समय मदद करें। धन्यवाद। मार्कपिना विभाग द्वारा जारी। इसी में एक नोट दिया हुआ है जो कि रीजनल एरिया मंडल कार्यालय उपरोक्त के क्रियान्वयन में सहयोग एवं मॉनिटरिंग करे। यानी आज के इस पत्र में यह बताया गया है कि जिस भी निवेशक का पैसा सारा इंडिया की किसी भी सोसाइटी में फंसा हुआ है तो वो आप अपना भुगतान पाने के लिए CRCS की तरफ से जारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं और ना कि आप किसी की बातों में आकर भुगतान पाने से वंचित रहे, क्योंकि अभी CRCS की तरफ से छोटे निवेशकों को भुगतान दिलाने का कार्य किया जा रहा है जो कि राशि अभी सिर्फ 10,000 रुपये है, जिसको बाद में बढ़ाकर 30,000 कर दिया जाएगा और इसी प्रकार से धीरे धीरे राशि बढ़ाकर सभी निवेशकों को भुगतान दे दिया जाएगा और जिसके लिए सारा प्रबंधन की तरफ से भी निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन करने में मदद के लिए इस पत्र में बताया गया है जो कि मार्कफिना विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं CRCS का पोर्टल पर आपको किस प्रकार की असुविधा हो रही है, जिसके लिए सोसाइटी प्रबंधन और IT के साथ साथ पोर्टल बनाने वाली टीम लगातार कार्य कर रही है, जिसको जल्दी सुधार करके आप सभी के लिए सुविधा प्रदान कर दी जाएगी जिस पर आप रजिस्ट्रेशन करके अपना भुगतान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी भी आज के इस पत्र में बताई गई है। और आप इस पत्र के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं और आप में से किन किन निवेशकों ने CRCS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके अपना भुगतान के लिए आवेदन कर दिया है, इसके बारे में भी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो में सारा इंडिया परिवार की तरफ से जारी पैरा बैंकिंग के समस्त कार्यकर्ताओं हेतु इस पत्र में दी गई जानकारी। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।